हाइपोक्रेसी है और जो हमारा प्रेफरेंस है, एक मिथ है हमारी सोसाइटी में कि मेल के फायदे हैं और फीमेल के नुकसान हैं, वो एक ऑब्लिगेशन समझी जाती है। हरियाणा क्यों शुरू किया गया? क्योंकि वहां पे फीमेल फेमिसाइड सबसे ज्यादा था। डिफरेंट जितने भी हमारे पीएचसीज है वहां पे एटलीस्ट क्वार्टरली इन पे समीक्षा। हमने यहां पे वीकली एक्सप्लेन किया कि हर दिन इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम भी यहां के पीएमओ साहब की सरप्राइज में यहां पे हर रोज कार्यक्रम जो है फीमेल के बारे में हमने यहाँ पे क्या काजिज है और क्या प्रिवेंशन मेजर जो है वो ले जाने चाहिए उसके बारे में अवेयर किया। इसमें कोई शक नहीं है कि 1961 से ही लेके ला हमारी कंट्री में था फीमेल फिटिसाइड को किस तरीके से रोका जाए उसके बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड है, जिसकी वजह इलिटरेसी है और जो हमारा प्रेफरेंस है, एक मिथ है हमारी सोसाइटी में कि मेल के फायदे हैं और फीमेल के नुकसान हैं, वो एक ऑब्लिगेशन समझी जाती है क्योंकि डोरी है, इलिटरेसी है और वो रीजन है। तो हमने उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी कि क्या प्रोविजन है सरकार की तरफ से और आईपीसी की जो सेक्शन 312 है, 314 है, 315 और 316 है आईपीसी की, उसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया कि क्या पनिशमेंट है, क्या प्रोविजन है, सजा जो है उसमें 7 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन है, ये हमने बताया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू हेल्थ और राइट टू लाइफ है, इस बारे में हमने एक्सप्लेन किया। और बीएमओ भद्रा डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर साहब हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, जबकि मैं रिसोर्स पर्सन था और बाकी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में बताया और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी। तो काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट।